अगर आप भी अपना ग्रोसरी स्टोर या सुपरमार्केट ओपन करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप मिनिमम 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम में कोई भी अपना सुपरमार्केट खुद के ब्रांड के नाम से ओपन करना चाहता है तो उसे कम से कम 35 से 40 लाख रुपए की जरूरत होगी। साथ ही सारा काम खुद करना पड़ेगा, जैसे स्टोर को सेटअप करवाना, प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना, स्टाफ को हायर करना, उनको ट्रेन करना, इसी प्रकार के और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों नए बिजनेस को सेटअप करने के दौरान जो भी इनिशियल इश्यूज आते हैं उनको भी आपको खुद को ही हैंडल करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी अच्छी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेना। सो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं जिसके साथ जुड़कर आप अपना खुद का सुपरमार्केट ओपन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपका सुपरमार्केट मात्र 45 दिन में बनकर रेडी हो जाता है। सो दोस्तों उस कंपनी का नाम है जी फ्रेश स्मार्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि जी फ्रेश स्मार्ट कितने प्रकार की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, इनकी फ्रेंचाइजी लेने से आपको क्या क्या फायदा होगा, कंपनी क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती है और आप कितने पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जी फ्रेश स्मार्ट के बारे में, क्योंकि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। देखिए दोस्तों जी फ्रेश स्मार्ट एक सुपरमार्केट की चेन है जहां पे कस्टमर को ग्रोसरी, फूड प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट और हाउस होल्ड आइटम एक ही छत के नीचे कम प्राइस में मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों जी फ्रेश स्मार्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी और पहले 2 साल सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल स्टोर चलाने के बाद में 2021 से इन्होंने जी फ्रेश स्मार्ट की फ्रेंचाइजी देना शुरू किया और आज की तारीख में ऑल ओवर इंडिया में इनके 178 प्लस आउटलेट्स अवेलेबल है, मतलब इतने स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। अब दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, सिर्फ 3 सालों में 178 से ज्यादा आउटलेट, ये सुनने से ही हमको पता चलता है कि इनका जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ये काफी सक्सेसफुल है। इनफैक्ट दोस्तों पिछले साल ही इस कंपनी को स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। अब अगर हम बात करें इनके फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में तो दोस्तों जी फ्रेश स्मार्ट अभी हाल फिलहाल में 3 तरीके की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। सबसे पहला मिनी मार्ट, दूसरा सुपरमार्ट और तीसरा हाइपरमार्ट। अब दोस्तों इन तीनों मॉडल्स में क्या क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे मिनी मार्ट के बारे में। ये लगभग ग्रोसरी स्टोर जैसे ही होता है जिसमें आपको एसेंशियल चीजें मिल जाएगी जैसे कि दाल, चावल, दूध वगैरह वगैरह। उसके बाद में आता है सुपरमार्ट। इसके अंदर प्रोडक्ट रेंज मिनी मार्ट से ज्यादा होती है, इसमें आपको ग्रोसरी, हाउस होल्ड आइटम, डेयरी प्रोडक्ट्स ये सारी चीजें मिल जाती है। फिर आता है हाइपरमार्ट, ये सबसे बड़ा होता है, इसमें एसेंशियल प्रोडक्ट से लेकर क्लोथिंग तक सब कुछ आप अपने यहां पे बेच सकते हैं। वैसे दोस्तों इनके पास 1000 से भी ज्यादा ब्रांड्स के 20,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और आगे ये प्रोडक्ट बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि मार्केट में जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं वो इनके प्रोडक्ट रेंज में शामिल हो जाते हैं। हमारे रोजाना की जिंदगी में यूज आने वाला ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है, फिर चाहे वो टूथपेस्ट हो, दूध हो, सब्जी हो, फ्रूट हो, ग्रोसरी, डेयरी प्रोडक्ट, स्नैक्स, फ्रोजन फूड, होम और किचन अप्लायंसेस जैसी कई सारी कैटेगरीज में इनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। सो दोस्तों अगर आप भी इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको प्रोडक्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होंगे आपको स्टोर तक डिलीवर करके दे दिए जाएंगे। सो दोस्तों अगर आप भी जी फ्रेश स्मार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इनका कंप्लीट प्रोसेस कैसा होता है। देखिए 5 सिंपल स्टेप्स में इन्होंने अपने कंप्लीट प्रोसेस को डिवाइड किया है। अब वो 5 स्टेप्स कौन से, चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप है फिक्स अपॉइंटमेंट, मतलब आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करके फ्रेंचाइजी लेने की इच्छा जाहिर करनी होगी। उसके लिए आप इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप इनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेंचाइजी का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, उसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स भर देनी है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में कंपनी की जो टीम होगी वो आपको सामने से कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपके साथ एक मीटिंग फिक्स की जाएगी। उसके बाद में आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं ये चीज फिक्स हो जाने के बाद में आपके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। दूसरा स्टेप होता है साइट विजिट का। देखिए जब आप लोकेशन कंफर्म कर लेंगे, मतलब जहां पे आपको फ्रेंचाइजी ओपन करनी है उसके बारे में आपको कंपनी को बताना होगा, फिर कंपनी की टीम आपके बताए गए लोकेशन पे आएगी और कंप्लीट सर्वे करेगी। आसपास की लोकेलिटी को देखने के बाद में आपको बताया जाएगा कि उस लोकेशन पे स्टोर ओपन करना सही होगा या फिर नहीं होगा। तीसरा स्टेप होता है सेटअप का। देखिए लोकेशन फाइनल होने के बाद में शुरू होता है सेटअप का काम, स्टोर को कैसे बिल्ड करना है, स्टाफ को कैसे ट्रेन करना है, ये सब काम के लिए कंपनी एक स्पेशल टीम को भेजती है। विद इन 45 डेज आपका पूरा सेटअप रेडी हो जाता है। चौथा स्टेप होता है टेस्टिंग का। वैसे दोस्तों स्टोर का सेटअप जो है वो 3 ही स्टेप्स में हो जाता है, लेकिन उसके बाद में भी 5 दिन तक कंपनी की जो टीम होती है आपके स्टोर को हैंडल करती है। सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट राइट है या नहीं है, इन चीजों की टेस्टिंग की जाती है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर प्रॉब्लम हो भी तो उसे तुरंत सॉल्व
इंस्टॉल किया जा सके। 5 दिनों के बाद में फाइनली आप अपने स्टोर को आसानी से खुद रन करने लग जाएंगे। सो दोस्तों, देखा आपने कितने सिंपल तरीके से सिर्फ 45 दिनों में आप अपना सुपरमार्केट शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि मार्केट में तो कई सारी कंपनीज है जो सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी दे रही है, तो फिर हमें जी फ्रेश मार्ट की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है कंपनी से मिलने वाला सपोर्ट। देखिए, सुपरमार्केट स्टार्ट करने से लेकर सक्सेसफुली रन करने तक हर स्टेज पे कंपनी आपको सपोर्ट करती है। अब कैसे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, चॉइस इन सेटअप सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, आउटलेट का लोकेशन फिक्स करने के बाद में बारी आती है सेटअप की। देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वो एक ही तरीके का सेटअप बनाकर देती है या फिर हमें कंपनी के हिसाब से बनाना पड़ता है। लेकिन जी फ्रेश मार्ट हर फ्रेंचाइजी पार्टनर को कस्टमाइज थीम सेटअप का ऑप्शन देती है। इनके पास रेड, येलो और ग्रीन 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो इनमें से जो भी कलर आपको पसंद है या आपको लगता है कि आपके आसपास के लोगों को पसंद आएगा वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद में आगे का सारा काम उसी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से होता है। दूसरा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी। बहुत बार क्या होता है, जब हम किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कंपनी कुछ चीजें खुद देती है और बहुत सारी चीजें हमको खुद अरेंज करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जी फ्रेश मार्ट की तरफ से आपको सारी चीजें मिलती है जो आउटलेट में यूज होने वाली है, जैसे कि AC, VC कूलर, बारकोड स्कैनर, प्रिंटर वगैरह वगैरह। इन सारी चीजों को कंपनी की तरफ से आपके स्टोर पे प्रॉपरली इंस्टॉल भी करके दिया जाएगा। तीसरा, विद इन 45 डेज योर सेटअप विल बी रेडी। देखिए दोस्तों, क्या होता है, बहुत बार आउटलेट सेटअप होने में 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। अब अगर आपने जगह रेंट पे ली है तो एक्सपेंसेस तो डे 1 से ही शुरू हो जाते हैं, जैसे रेंट हो गया, लाइट बिल हो गया और भी बहुत सारी चीजें होती है। इसीलिए कंपनी मेक श्योर करती है कि कम से कम समय में आपका स्टोर रेडी हो जाए। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंपनी की USP भी यही है कि मात्र 45 डेज में यानी कि 1.5 महीने में आपका आउटलेट तैयार हो जाता है और कंपनी इस चीज की गारंटी भी देती है। चौथा, स्टाफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग। स्टोर ओपन होने के बाद में मेन टास्क होता है स्टोर को अच्छे से मैनेज करना, जिसके लिए जरूरत होती है अच्छे स्टाफ की। अब दोस्तों, आपका स्टाफ स्टोर को प्रॉपरली मैनेज कर सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कंपनी स्पेशली एक टीम को आपके स्टोर में भेजती है, फिर उस टीम के जरिए स्टाफ को बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है। स्टोर को कैसे मैनेज करना है, सिस्टम कैसे वर्क करता है, कस्टमर को कैसे हैंडल किया जाए, इन सब चीजों से रिलेटेड स्टाफ को ट्रेन किया जाता है ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। पांचवा, सॉफ्टवेयर टू मैनेज एवरीथिंग। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जी फ्रेश मार्ट के पास 1000 से भी ज्यादा ब्रांड्स के 20,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युअली मैनेज करना सरदर्द हो सकता है। सो दोस्तों, आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए कंपनी की तरफ से आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जिसकी मदद से आपके लिए इन्वेंटरी मैनेज करना, बिल बनाना, हिसाब किताब रखना, डेटा मेंटेन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाता है ये ट्रेनिंग के वक्त में सिखाया जाता है। साथ ही सॉफ्टवेयर में आए अपडेट्स के बारे में भी रेगुलर बेसिस पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। छठा, इजी डिस्ट्रीब्यूशन और वेयरहाउसिंग चेन। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के 178+ स्टोर्स हैं, तो एक ही जगह से सभी आउटलेट तक माल पहुंचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए कंपनी ने मल्टीपल प्लेसेस पे अपने वेयरहाउस ओपन किए हुए ताकि नियर स्टोर पर टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर किया जा सके। इसीलिए दोस्तों, आपके स्टोर पे आपको जिन भी प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी आपको सिंपली सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑर्डर करना होगा, उसके बाद में वो सारे प्रोडक्ट्स आपके नियरेस्ट वेयरहाउस से आपके आउटलेट तक पहुंचा दिए जाएंगे। सातवां, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। मान लीजिए दोस्तों, आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया लेकिन वो जो प्रोडक्ट है आपके स्टोर में बिक ही नहीं रहा है और एक्सपायर्ड हो जाता है, तो उस केस में आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को इजीली एक्सचेंज करवा सकते हैं। आठवां, मार्केटिंग सपोर्ट टू ड्राइव कस्टमर। दोस्तों, आपके स्टोर पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आ सके उसके लिए भी कंपनी आपको हेल्प करती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके स्टोर की मार्केटिंग के लिए कंपनी 2 तरीके से वर्क करती है। सबसे पहला, डिजिटल मार्केटिंग। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके स्टोर की मार्केटिंग की जाती है। उसके बाद में ऑफलाइन मार्केटिंग, पैम्पलेट्स, बैनर जैसे ऑफलाइन तरीकों से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी आपके स्टोर को प्रमोट करती है ताकि आपके स्टोर के नजदीक में रहने वाले लोगों को पता चल जाए कि उनके आसपास में कोई सुपरमार्केट ओपन हुआ है और वो वहां पे जाके शॉपिंग कर सके, मतलब आपके यहाँ पे आके शॉपिंग कर सके। इसके अलावा दोस्तों, कस्टमर रेगुलर बेसिस पे आपके स्टोर पे आते रहे इसके लिए कंपनी कई प्रकार के ऑफर्स भी लाती है, जैसे कि फेस्टिवल ऑफर, बाय वन गेट वन ऑफर एंड स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। इससे आपके स्टोर की सेल्स बढ़ने में मदद होती है। नौवां, लेस रॉयल्टी चार्जेस। देखिए दोस्तों, मार्केट में कई सारे ब्रांड्स हैं जो आपसे 8% तक रॉयल्टी चार्ज करते हैं, यानी कि दोस्तों आपके मंथली सेल का 8% का हिस्सा तो आपको कंपनी को ही देना पड़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, मान लीजिए आपने पूरे महीने में 10 लाख रुपए का सेल किया तो उसमें से 80,000 रुपए तो आपको कंपनी को ही देना होता है, जो कि ह्यूज अमाउंट होता है। वहीं दोस्तों, जी फ्रेश मार्ट की बात करें तो ये अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर से मात्र 1% की रॉयल्टी फीस चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला तो स्पेस की जरूरत पड़ेगी। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुपरमार्केट ओपन करने के लिए आपको बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है ताकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप रख सके, काउंटर रख सके, कस्टमर घूम फिर के सारी चीजों को देख सके। इसीलिए जी फ्रेश मार्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास मिनिमम 300 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक की जगह होनी चाहिए। उसके बाद में बारी आती है एम्प्लॉयज की। देखिए, स्टाफ को हायर करने में, उन्हें ट्रेन करने में कंपनी की तरफ से आपको हेल्प
किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि स्टोर को सेटअप करने में जिन भी चीजों की जरूरत होगी वो सारी चीजें आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद में बात करें अगर इन्वेस्टमेंट की, तो जी फ्रेश मार्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको मिनिमम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कौन से मॉडल में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंपनी को कॉन्टैक्ट करना होगा। अब दोस्तों अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में कितना पैसा मैं कमा सकता हूं और मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो कब तक रिकवर हो जाएगा, तो दोस्तों कंपनी का मानना है कि आप हर महीने के 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इस हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो कब तक रिकवर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज बोलना चाहूंगा, जनरली जब भी हम किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम पे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन जी फ्रेश मार्ट के साथ ऐसा नहीं होगा, अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ 5 सालों तक फॉलोअप करते हैं। इस दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कंपनी से डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप भी अपना ग्रोसरी स्टोर या सुपरमार्केट ओपन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, आप सिंपली इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपनी की वेबसाइट का लिंक दे दिया है, अगर आप चाहें तो उस पर क्लिक करके जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कंपनी की सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से लेके भी आप कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए जो अपना खुद का ग्रोसरी स्टोर या सुपरमार्केट ओपन करना चाह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।